आज हम बनाने वाले हैं सूजी का केक बहुत ही नए तरीके से, और हम इसको ओवन में नहीं बनाने वाले, हम इसे घर के बर्तन में ही बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉन्जी, और आप इसका कलर देखिए खुद ही। तो इसके लिए ना आपको सबसे पहले ले लेना है एक बनाना, और ये बनाना कच्चा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको इसको मैश कर लेना है, या फिर आप इसको ग्राइंड कर लीजिए ग्राइंडिंग जार में। एंड देन उसके बाद ना आपको यहाँ पर डालना एक अंडा। अब यहाँ पर बहुत से लोग वेजिटेरियन रहेंगे, तो गाइस आपको यहाँ पर 3 से 4 चम्मच नॉर्मली डालना है दही, जो कि खट्टी नहीं होनी चाहिए और फेंटना अच्छी तरीके से। एंड देन उसके बाद आपको डालना है ऑयल। तो ऑयल कितना डालना है, जो घर का चाय पीने वाला कप होता है ना, वो कप से मैंने आधे कप से थोड़ा कम लिया है, मतलब कि ये 40 ग्राम के आसपास होगा ऑयल। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ शक्कर। तो गाइस ये शक्कर कितना है, आप जितना भी सूजी लेने वाले हो ना, उसके हाफ क्वांटिटी से थोड़ा सा आपको लेना है कम शक्कर, या फिर हाफ क्वांटिटी के ही इक्वल लेना है, ज़्यादा भी मत लीजिए या फिर बहुत कम भी मत लीजिए। तो ये कितना है, अब ये है सूजी, ये एग्जैक्टली 350 ग्राम सूजी लिया है मैंने, और 150 ग्राम के आसपास मैंने शक्कर का यूज़ की थी। और ये है फूड कलर, येलो फूड कलर, साथ में इलायची पाउडर। तो आप इलायची पाउडर की जगह पे वेनिला एसेंस का यूज़ कर सकते हो, और आप येलो फूड कलर को टोटली स्किप कर सकते हो, अगर आपको कलर चाहिए तो डालें, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूध डालना है, और दूध डाल के आपको करना है इसको अच्छी तरीके से मिक्स। अगर आप थोड़ी थिक मिल्क का यूज़ करोगे ना, मतलब मलाई वाली दूध का, तो डेफिनेटली केक का टेस्ट भी फिर थोड़ा सा आपको वैसा मिलेगा। अगर आप चाहो तो आप यहीं पर थोड़ा कंडेंस मिल्क का भी यूज़ कर सकते हो, केक और टेस्टी बनेगा, और अगर नहीं यूज़ करोगे ना तो भी बहुत टेस्टी बनेगा। तो उसके बाद आप देखिए इसका कुछ इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। उसके बाद आपको डालना है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर भर कर, और 1/2 चम्मच से कम बेकिंग सोडा, साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स, जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बादाम का यूज़ किया है, आप काजू बादाम या फिर आप टूटी फ्रूटी का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद 1 से 2 चम्मच फिर से मैंने यहाँ पर दूध डाला है, और फिर से इसको अच्छे तरीके से एक बार कर ले रही हूँ मिक्स। एंड देन बस देखिए ये कुछ इस तरीके से हो गया है रेडी। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। आप जिस भी बर्तन में केक बनाने वाले हो, उस बर्तन में आपको सबसे पहले अच्छे से ऑयल लगा के इसको फैला लेना है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो डेफिनेटली आप बटर पेपर यहाँ पर लगा दीजिए। उसके बाद जो भी हमारा बैटर है ना केक का, वो आपको डाल देना है इसके अंदर। एंड देन उसके बाद गार्निशिंग आप कर सकते हो कुछ ड्राई फ्रूट्स से, या फिर टूटी फ्रूटी से, आपका जिससे मन है आप कर सकते हो। तो मैं बादाम डाल के इसकी गार्निशिंग कर ले रही हूँ। एंड देन उसके बाद ना एक का आप कोई भी बर्तन ले लीजिए, आप कढ़ाई ले सकते हो, आप कुकर ले सकते हो, कुकर ले रहे हो तो आप सीटी निकाल दीजिए और रबड़ निकाल दीजिए। एंड देन उसके बाद इस तरीके से आपको डालना है नमक। तो गाइस ये नमक मैंने बहुत बार यूज़ कर चुकी है, और ये प्लेट ना अभी मैंने इसकी हालत ऐसी कर दी, पहले ये इस तरीके से दिखता था। तो ये डालना है, और हाई फ्लेम पे आपको 1 मिनट के लिए होने देना है, और फिर लो फ्लेम पे 35 मिनट्स के लिए ढककर होने देना है केक को। 35 मिनट्स बाद मैं इसको एक बार चेक कर लेती हूँ। तो आप देखिए गाइस एकदम परफेक्ट कलर आ गया है, और टेक्सचर भी। तो एक बार ना आपको एक चाकू लेना है या एक चम्मच की हेल्प से आप इसको ना इस तरीके से जब देखोगे ना, अगर ये क्लीन आ रहा है, मतलब हमारा केक हो गया रेडी। तो मैं इसको ढक कर 10 से 15 मिनट का वेट की हूँ। उसके बाद आप देखिए 10 से 15 मिनट बाद, या फिर जब वो ठंडा हो जाए ना ऑलमोस्ट, तब जाकर आप कोई भी एक चाकू ले लीजिए, और एकदम हल्के हाथों से इसको इस तरीके से करिए। एंड देन आप उसको टैप करना, फिर केक बहुत ईजिली निकल जाता है। तो आप देखिए कुछ इस तरीके से आप टैप करना, केक बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, और आप इसका कलर देखिए एकदम परफेक्ट कलर आया है, ना ही मतलब ज़्यादा काला हो गया है, ना ही ज़्यादा लाइट है, एकदम परफेक्ट है। और इसमें जाली भी बनी है साथ में ही, बहुत अच्छा है ये। तो अभी मैं इसको एक बार कट करके आपको दिखाती हूँ। तो कट भी बहुत ही ईजिली ये हो जाता है, और गाइस आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना, डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा ना, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो आप ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।